अरे ओ बुद्धू कहाँ गया? सुनो सुनो सुनो, जल्दी आओ। बस अभी आया मालिक, बताइए। सुनो सुनो, कैटरिंग का काम शुरू करना काफी अच्छा रहा है, समझे? एक बड़ा ऑर्डर आया है, मेरे दोस्त शंकर ने दिया है। कुछ दिनों में उसकी शादी की सालगिरह आने वाली है, उसी का जश्न है। अच्छा मालिक, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनो, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। शंकर के घर जाकर उसके ऑर्डर के बारे में सब समझकर सब कुछ लिख कर लाना पड़ेगा। क्या हुआ, कर पाओगे ना? बिल्कुल कर पाऊंगा, ये कौन सा मुश्किल काम है मालिक। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं शंकर के घर का रास्ता बता रहा हूँ, फिर तुम चले जाना। अच्छा मालिक, बता दीजिए आप। सुन सुन, इस मैदान के पास जाकर थोड़ी दूर चलने पर आएगा एक 5 सिरों वाला मोड़, उसका 4th नंबर वाला रास्ता लेकर थोड़ी दूर और आगे जाना। देखना, एक बड़ा सा तालाब दिखाई देगा, उस तालाब को पार करके जाने पर 3 घर छोड़कर 4th वाला घर ही शंकर का घर है। क्यों बुद्धू, समझ गया ना? हाँ मालिक, लेकिन मेरे प्यारे से निर्मल मन में एक छोटा सा सवाल है मालिक। क्या सवाल? ठीक है, बोलो क्या है। वो मैं कह रहा हूँ मालिक, वो जो 5 सिरों वाला मोड़ है, वहाँ किसका किसका शहर है? अरे बेवकूफ, वहाँ 5 रास्ते हैं, इसीलिए उसे 5 सिरों वाला मोड़ कहते हैं। हाँ, अब सब समझ गया, अब सब कुछ क्लियर हो गया है मालिक। अब मैं चलता हूँ मालिक, है ठीक है। हाँ जाओ, सब कुछ पता लगाकर मुझ पर एहसान करो, और सुनो जल्दी घर लौट आना, जाओ। रे रे, ये तो गड़बड़ हो गई, अब कौन से रास्ते पर जाओ? हाँ, दाई तरफ या बाई तरफ? मालिक ने तो इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था, अब क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। देखो तो जरा उस बेवकूफ की बुद्धि को, शाम होने को आई लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं। जरूर जरूर उसने कोई कांड कर दिया है। हाँ नहीं, बाहर जाकर खुद देखना पड़ेगा कि आखिर क्या हुआ। बुद्धू, अरे ओ बुद्धू रे, अरे ओ बेवकूफ, अरे कहाँ चला गया रे? मालिक मालिक मालिक, ये देखिए मैं यहाँ हूँ मालिक। ए, यहाँ पर खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? हाँ, शंकर के घर गया था कि नहीं? नहीं मालिक, कैसे जाता, आपने तो बताया ही नहीं था कि दाएं वाले और बाएं वाले रास्ते में से किस रास्ते से जाना है। दाएं तरफ घूमकर बाएं तरफ वाले से, या बाएं तरफ घूमकर दाएं वाले से, या फिर बाएं वाले से घूमकर उस। चुप! अरे ओ बेवकूफ गधे, मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुम पहले घर चलो। मैं तो घर का रास्ता भी भूल गया हूँ मालिक, तभी तो यहीं पर खड़ा हूँ ना। जैसे ही इससे पीठ पर पड़ेगी सब कुछ याद आ जाएगा। ए, ये देखो, एक झटके में रास्ता याद आ गया। ए बुद्धो, आज सब कुछ अच्छी तरह से सुन ले। अच्छा मालिक, मैं अपने दोनों कान खोलकर सुन रहा हूँ, आप बोलिए। हाँ, ऐसा ही करना, अगर आज कोई गलती हुई तो फिर तुम्हारे शरीर पर ये सिर नहीं रहने वाला, समझे? अब इसमें मैं क्या कहूँ मालिक। अब मेरी बात ध्यान से सुन, 5 सिर वाले मोड़ के पास जाकर वहाँ घोड़े की पीठ पर जो राजा की मूर्ति है, उस घोड़े का मुंह जिस तरफ होगा उसी तरफ सीधे चले जाना। उसके बाद जैसा कहा है ठीक वैसा ही करना,
तभी उसकी घर पहुंच पाएगा। समझा मैंने क्या कहा? हाँ मालिक, आज मैं बिल्कुल सब समझ गया हूँ। हाँ मिल गया, घोड़ा और राजा। अब घोड़े के मुंह की तरफ चलने पर काम बन जाएगा। बस एक बार घोड़े के चारों तरफ घूमकर देख लेता हूँ, कहीं इसके दो सर तो नहीं है। उस तरफ से तो एक जिंदा घोड़ा आ रहा है। क्या आप अपना परिचय बता सकते हैं मालिक? मैं राजा हूँ। ये कैसी मुसीबत है भाई, अब क्या करूँ? अब किस राजा के घोड़े के मुंह की तरफ जाऊँ, जिंदा वाले के या फिर स्टैच्यू के या जिंदा वाले के? नहीं, जिंदा वाले के पीछे ही जाता हूँ। तुम कौन हो और मेरे घोड़े के पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? हा? अरे भाई, मेरी तरफ ना देखकर आप अपने घोड़े को लेकर चलते रहिए। पागल है क्या, कहीं लुटेरा तो नहीं है? अरे 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 अरे, अरे देखो ये क्या बात हो गई, दौड़ा क्यों रहे हैं? अरे धीरे धीरे। अरे बाप रे, ये घोड़ा तो बहुत तेज दौड़ रहा है। अरे धीरे धीरे धीरे। ओह चला गया। ये क्या, मैं भागते भागते कौन सी जगह आ गया, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है। अभी तक नहीं आया, मतलब आज भी उसने कोई ना कोई कांड किया है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। सच में वो बेवकूफ तो मुझे पागल बना करके ही छोड़ेगा। नहीं, जाता हूं और फिर से देखता हूं कि उसने क्या किया है। कहाँ है, कहाँ गया ये बदमाश? ढूंढते मैं तो हैरान हो गया हूँ, इतनी दूर आ गया हूँ। कहाँ है रे तू? ये देखिए मालिक, मैं यहाँ हूँ, यहाँ। अरे रे रे बदमाश, तू आज भी शंकर के घर नहीं गया है? मैंने कोशिश तो बहुत की मालिक, लेकिन घोड़े के ऊपर जो आदमी बैठा हुआ था वो बहुत तेजी से घोड़ा चलाकर चला गया। अब मैं क्या करूं? मैंने क्या तुझे जिंदा घोड़े के पीछे जाने के लिए कहा था? रहने दे भाई, रहने दे, अब से मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूँगा, रहने दे। तुम्हें कुछ कहने का मतलब है चूहे को गणित समझाना, मेरे साथ चल। मारेंगे तो नहीं ना मालिक? नहीं 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 मालिक, ऐसे काम नहीं चलेगा, भगाकर मारना ही पड़ेगा। मैं बहुत बदमाश हो गया हूँ ना, मारिए जल्दी मारिए। तू मुझे आदेश दे रहा है? तेरी इतनी हिम्मत, तो फिर देख अब मैं क्या करता हूँ। अब जाकर शरीर स्वस्थ रहेगा। अच्छा सोन बुद्धू, अगर तू आज भी शंकर के पास से ऑर्डर की लिस्ट नहीं ला सकाना, तो फिर इस घर में कभी भी लौट कर मत आना। नहीं मालिक। सोन, घोड़े का कोई काम नहीं, वरना तुम जिंदा घोड़ा देकर सब कुछ मिट्टी में मिला दोगे। आज उस मूर्ति के सामने जाकर देखना कि राजा के हाथ में एक तलवार है, उसका मुंह जिस तरफ हो ठीक उसी तरफ जाना। क्यों, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? राजा ने हाथ में तलवार पकड़ रखा है।
अरे ये क्या, अरे बाप रे, आजा आप क्या होगा। बुद्धो, अरे बुद्धू रे, ओह ओह, अरे तू कहाँ है रे, आज अब तू कहाँ घुस कर बैठा है रे बुद्धू। ये देखिए मालिक, मैं ताड़ के पेड़ के ऊपर हूँ। ये क्या कर रहा है, ओह। तुम ताड़ के पेड़ के ऊपर क्या कर रहे हो बदमाश? आपने तो सुबह में कहा था कि बुद्धू तलवार का मुंह जिस तरफ है उसी तरफ जाना, तलवार का मुंह ऊपर की तरफ है। मैं कब से यहाँ पर हूँ लेकिन आपका दोस्त मुझे नहीं मिला। मालिक कहाँ है मालिक आपका दोस्त? अरे बेवकूफ, दुष्ट कहीं के नीचे उतर, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं मालिक, आपने कहा था कि जब तक मैं आपके दोस्त से लिस्ट ना ले लूं तब तक घर वापस ना आऊं। जब तक मैं आपके दोस्त से नहीं मिलूंगा तब तक मैं इस पेड़ से नीचे नहीं उतरूंगा। हाँ मालिक। अच्छा ऐसा, जब तक पेड़ से गिर कर तेरा सिर नहीं फटेगा तुझे सीख नहीं मिलने वाली। हाँ। अरे ये तो मुझे ही लग गए यार, बाप रे। आप ठीक है ना मालिक? आराम कीजिए। हाँ, मैं लिस्ट लेकर नीचे उतर जाऊंगा।